नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत में आतंक फैलाने के लिए कुख्यात पाकिस्तानी सेना की एक बार फिर दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान का आधे से ज्यादा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आया हुआ है और मदरसा पैदाइश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग खाने और पीने के पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा जमीन पर कहर बरपाता पानी और घनघोर बारिश उन पर आफत बनकर टूट रही है। मदरसा मुल्क के सुपर मुल्लाओं ने इस आपदा को सुपर फ्लड का नाम दिया है। यही सुपर कंगाल अवाम को ऊपर भेज रहा है। इस विपत्ति के समय जब पाक सेना को इंडियन आर्मी से सीख लेकर अपनी रैपिस्ट छवि में सुधार करने की जरूरत थी, उसने अपनी बदनामी की लिस्ट में एक और चैप्टर जोड़ लिया है। वे बाढ़ में फंसे पीड़ितों को बचाने की तो छोड़िए, उल्टे उनके जले पर नमक छिड़क रही है। इस मुसीबत में भी पाक सैनिकों पर लोगों के घरों से कीमती सामान चुराने के लगातार आरोप लग रहे हैं। ये नहीं, इस्लामाबाद से बाढ़ प्रभावितों के लिए भेजी गई 16,995 पाउंड की राहत सामग्री भी पाकिस्तानी से नाड़प कर गई है। अपना सब कुछ गंवा चुके लोग पाक आर्मी के साथ न सिर्फ मारपीट कर रहे हैं बल्कि इस चोर सेना से अपना कीमती सामान बचाने की जद्दोजहद से भी जूझ रहे हैं। लेकिन अब इस लुटेरी पाक सेना का एक और घिनौना चेहरा सामने आया है। उसने एक ऐसी करतूत कर डाली है जिसने सिर्फ पाकिस्तान में ही हड़कंप नहीं मचाया है बल्कि जो देश बाढ़ पीड़ितों की मदद भेज रहे हैं वे भी स्तब्ध रह गए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो सिंध के एक ऐसे इलाके का है जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कपड़ों पर मक्खियों की तरह टूट रही है। दरअसल यह कपड़ों की फ्री सेल नहीं लगी है बल्कि यह विदेशों से भेजी गई राहत सामग्री का एक हिस्सा है जिसे पाकिस्तानी सेना ने बाजारों में बेचकर उससे अच्छे खासे पैसे बना लिए हैं और अब इसे बम्पर सेल के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा है। चूंकि यह मुफ्त का माल है इसलिए दाम इतने कम रखे गए हैं कि महिलाओं की भीड़ इस पर टूट पड़ी है। खास बात यह है कि विदेशों से आई मदद को बाढ़ से बचे हुए इलाकों में इसी तरह सेल किया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना फोटो सेशन कराने में लगी हुई है। अब यह दूसरा वीडियो भी देखिए जहां पर सरकार ने प्रभावित लोगों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। यहां भी पाकिस्तानी सेना ने अपना होल्ड कर लिया है। सैकड़ों महिलाएं इस सेंटर में 25,000 रुपए के लालच में यहां पर पहुंची थी मगर सिर्फ 3 महिलाओं को मदद देकर खाना पूर्ति कर ली गई और बाकी को बारिश रुकने के बाद आने के लिए कह दिया गया। अब पाक सेना पर आरोप लग रहे हैं कि उसने 30 करोड़ की धनराशि को हड़प कर लिया है। 3 दिन पहले चीन ने एक मालवाहक एयरक्राफ्ट राहत सामग्री के साथ पाकिस्तान भेजा था लेकिन उसके द्वारा भेजा गया सामान भी गायब हो गया है। इसमें खाद्य पदार्थों के अलावा कपड़े और जूते भी शामिल थे। आरोप है कि चीन ने कोरोना महामारी में मारे गए और बीमार लोगों के कपड़े, मोजे और जूते पाकिस्तान भेज दिए। यही नहीं, चीन ने यूज दवाई और इंजेक्शन भी पाकिस्तान को थमा दिए जिसे पाकिस्तानी सेना ने पीड़ितों को वितरित करने की बजाय साइड कर दिया है। यकीनन पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में सदाबहार मित्र से ऐसे फरेब की उम्मीद नहीं थी। उसे लग रहा था कि इस वक्त चीन उसके दिल खोलकर मदद करेगा लेकिन उसने तो अपने गले का मरा सांप ही मदरसा पैदाइश के गले में लटकाने का खेल कर दिया है। यह भी अच्छा हुआ कि पाकिस्तान की नजर चीन की इस करतूत पर पड़ गई, अन्यथा उसे कहीं ना कहीं लेने के देने पड़ सकते थे। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, कतर और कई पश्चिमी देशों से भी पाकिस्तान को लगातार राहत सामग्री मिल रही है लेकिन इसका 5% अंश भी बाढ़ प्रभावितों तक नहीं पहुंच रहा है। इस मदद की निगरानी का जिम्मा भी पाकिस्तानी सेना ने उठा लिया है। यही नहीं, पाक सेना के वाटर प्लांट्स ने भी पानी के दाम बढ़ा दिए हैं जिससे महंगे दाम पर स्वयंसेवी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। पाकिस्तान के तमाम कार्गो एयरपोर्ट और कराची बंदरगाह पर आने वाली मदद सेना की निगरानी में इधर से उधर हो रही है। लोगों का आरोप है कि सेना उनके टेंट तक उखाड़ कर ले गई है। इनमें से बहुत सारे टेंट कतर की तरफ से भेजे गए थे लेकिन अब पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। कतर को दिखाने के लिए सिर्फ 1 दिन के लिए टेंट दिए गए थे, फिर फोटो सेशन होते ही सेना इन्हें उखाड़ कर ले गई। इसी तरह पाक सेना के जवान ट्रकों में 8 से 10 बैग राहत सामग्री लेकर आते हैं और उनके वितरण का वीडियो बनाकर ट्रक लेकर चंपत हो जाते हैं। उसके बाद वे दोबारा कभी लौट कर नहीं आ रहे हैं। यानी पाक की गरीब आवाम की सिर्फ प्रकृति ही नहीं बजा रही है बल्कि पाक सेना भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं है।
इसलिए पाकिस्तान को मदद भेजने का मतलब कहीं न कहीं आतंकियों की मदद करने जैसा है, क्योंकि कल यही पैसा आतंकियों की ट्रेनिंग पर खर्च होने वाला है, जो फिर से दुनिया को डसने से नहीं चूकेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।